बनाना सीखते हैं बादाम का हलवा। सबसे पहले हम बादाम निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक कटोरी में गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख देंगे और ये सारे बादाम हम उसमें डाल देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे इसका छिकल अच्छे से निकल जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हम सारे छिकल निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। दूध डाल डाल के अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे और अपना पूरे बादाम का बैटर इसमें डाल देंगे। देखिए घी की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, बादाम का हलवा बना रहे हैं तो बादाम और घी दोनों होना चाहिए। उसके बाद हम इसको 15-20 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इतना गाढ़ा हो गया है, अभी हम इसमें एक कटोरी शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा शुगर कर सकते हैं इसमें। अभी इसको हम अच्छे से और पकाएंगे। अभी हमारा हलवा अच्छे से पकने में 5 मिनट और लगने वाले हैं। बस हमारा हलवा पक के तैयार हो गया है। अभी हम इसमें केसर का दूध डाल देंगे। केसर से बहुत अच्छा स्वाद आता है, आप ज़रूर डालें अगर आपके पास है तो। उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे और थोड़ा सा गुलाब जल भी डालेंगे, इससे अच्छा स्वाद आ जाएगा इसमें। ये बादाम का हलवा अगर आप बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि सच में बहुत अच्छी डिश है। मेरा बादाम का हलवा बनके तैयार हो गया है। अभी मैं इस पर ऊपर से गार्निशिंग बादाम की करूँगी, क्योंकि बादाम का हलवा बनाया है मैंने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन जब आप इसको हलवे को खाएँ तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि गर्मी के टाइम खाएँगे तो नुकसान कर सकता है। थैंक यू सो मच।